स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। तो मेरा नाम है श्रीकांत कांबड़े और आज मैं बताऊंगा सीक्रेट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। यस, देखो आपको सीक्रेट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज पता होना क्यों इम्पोर्टेंट है और इस बात पर बात करेंगे। देखो सबसे पहले ये आपका ना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है और आपको एक बेहतर पर्सनैलिटी देता है और आपको मोर स्टैंडर्ड एंड क्लासी लुक देता है। उसके साथ साथ आपको मोर एक्सप्रेसिव दिखाता है। तो बॉडी लैंग्वेज पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आज हम इन वीडियो में देखेंगे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। द बेस्ट वे होता है किसी से भी कनेक्ट होने का, वो होता है हैंडशेक। यस, आपको कभी भी हैंडशेक बैठ कर नहीं करना चाहिए और ऐसे लूज हैंडशेक नहीं करना चाहिए, अच्छी ग्रिप में हैंडशेक देना चाहिए। इससे आपका इंप्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ता है। नेक्स्ट वन, अगर आप अच्छी स्पीच देना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है हैंड जेस्चर। यस, हैंड जेस्चर आपको मोर एक्सप्रेसिव दिखाता है और जो आप बता रहे हो लोगों को उसको और बेहतर से हैंड जेस्चर दिखाता है, तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर आप कहीं भी बात कर रहे हो तो आपका ना हैंड जेस्चर का यूज करना चाहिए ताकि एक इफिशियंसी बनी रहे कम्युनिकेशन करते समय। नेक्स्ट वन, आईज कॉन्टेक्ट। यस, देखो अगर कोई भी बात कर रहा है आपसे, कुछ समझा रहा है ना, तो उनके आईज में देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि सीधा उन्हें घूरने लगो, नहीं, एक इफिशियंसी एंड कामनेस से उनको देखना चाहिए कि उनको भी लगे कि आप उनकी बात अच्छे से समझ रहे हो और उनकी बात पर ध्यान दे रहे हो कि वो क्या बात कर रहे हैं, कि उनको उनके बातों का इम्पोर्टेंस पता चले और आपका जो इम्प्रेशन है वो भी आगे वाले के ऊपर अच्छा पड़े। नेक्स्ट वन, आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा कि जब भी सर कोई पढ़ाते हैं ना तो वो अपना वो सर हिलाता है, एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है कि कोई बात आपको समझा रहा है ना, तो आपको वो चीज समझ रहे है, तो उनको ना आपको एक सर हिला के एक ऐसा जेस्चर देना चाहिए।